Hello everyone, welcome to Insights IAS. Today's our first topic is Top Risk 2020. ये basically एक report है जिसको release किया जाता है Eurasia Group के द्वारा. जैसा कि आपको पता है कि prelims के अंदर हर साल report पे question पूछा जाता है, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये हमारे लिए exam point of view से काफ़ी important है. Eurasia Group की बात करें तो ये USA का most influential risk assessment companies है. और इंडिया के बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप जियोपॉलिटिकल रिस्क फॉर 2020 की लिस्ट में शामिल है और इंडिया फिफ्थ हाईएस्ट जियोपॉलिटिकल रिस्क वाली कंडीशन पे है. पोजीशन याद रखनी है. अगर ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो यूएस एंड इट्स ब्रोकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इज द टॉप ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रिस्क ऑफ दिस ईयर. जैसा कि आपको पता है यूएस के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें डोनाल्ड ट्रंप को एक सदन से तो इम्पीच कर दिया था, तो वो जो है वो अभी सबसे टॉप ग्लोबल पे टॉप लेवल की रिस्क है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग. और इस जो टॉप रिस्क में जो इंक्लूड होती है टेक्नोलॉजिकल डीकपलिंग बिटवीन द यूएस एंड चाइना एंड द चैलेंजेस दैट इट पोजेस टू द वर्ल्ड बिसाइड्स द इंड्योरिंग इंडिया चाइना टेंशंस. जैसा कि आपको पता है कि चाइनीज जो कंपनी है 5G कंपनी हुई है उसको यूएसए के अंदर बैन कर दिया है, तो जो टेक्नोलॉजिकल डीकपलिंग है वो भी वन ऑफ द टॉप रिस्क के अंदर इंक्लूडेड है. तो याद रखना है टॉप रिस्क 2020 किसके द्वारा? यूरेशिया ग्रुप के द्वारा. नेक्स्ट टॉपिक कोरोना वायरस. कोरोना वायरस बेसिकली चाइनीज रिसर्चर्स के द्वारा इसको आइडेंटिफाई किया गया है. ये रेस्पॉन्सिबल होता है न्यू निमोनिया लाइक इलनेस के लिए. याद रखना है निमोनिया लाइक इलनेस के लिए. जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो इसका जो शेप ऐसा है जो कि आपका क्राउन के जैसा शेप होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कोरोना वायरस. ये ह्यूमन के अलावा ये मैमल्स को भी अफेक्ट कर सकता है. वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. और जैसे कि आपका पिग्स, कैटल, कैट्स, डॉग्स, मार्टिन्स, कैमल्स, मैमल्स को अफेक्ट कर सकता है ह्यूमन के अलावा. वेरी इंपॉर्टेंट है. कोरोना वायरस की बात करें ये इसके मेनली चार टाइप होते हैं, उसमें से दो टाइप है वो काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं डिजीज़ के लिए. सो फार देर आर फोर नोन डिजीज कॉजिंग कोरोना वायरस अमॉन्ग विच द बेस्ट नोन आर द दो जो बेस्ट नोन है वो कौन से है? सारस कोरोना वायरस एंड द मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम MERS कोरोना वायरस. Both of which can cause severe respiratory disease. वो बहुत ज़्यादा respiratory disease कर सकते हैं. ये काफ़ी important point है, respiratory disease के लिए responsible होते हैं. और currently इस कोरोना वायरस अगर ये humans को infect करते हैं तो अभी तक कोई vaccine नहीं है. Very important point है because prelims 2019 पे क्वेश्चन पूछा गया था हेपेटाइटिस बी और सी की वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं उसके ऊपर, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन कर्ब इम्पोज्ड इन जेएनके के अंदर जो कम्युनिकेशन शटडाउन है और जो आपका लॉकडाउन चल रहा है इतने टाइम से उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है. वर्डिक्ट को जानने से पहले कुछ आर्टिकल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए जिसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी. जैसे कि आर्टिकल 19(1)(a) ये बात करता है ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है. आर्टिकल 19(1)(g) इसमें क्या कर सकता है? राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस. आर्टिकल 19(2) बात करता है स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस. कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? सॉवरनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मॉरलिटी, और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस. ये सारी कंडीशन है उस केस में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस स्टेट अप्लाई कर सकता है. और आएगा आर्टिकल 19(6) के अंदर क्या है? द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19(1)(g) इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक के इंटरेस्ट में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को अप्लाई कर सकता है 19(6) के अंदर. तो आपको पता होना चाहिए 19(1), 19(1)(a), 19(1)(g), 19(2) एंड 19(6) इसकी भी आगे रिक्वायरमेंट होगी. फिर बात कर लेते हैं सेक्शन 144. सेक्शन 144 क्या करता है? बेसिकली जो अनलॉफुल जो पब्लिक असेंबली होती है उसको रोकता है. मतलब 4 या 4 से ज़्यादा जो लोग हैं वो असेंबल नहीं हो सकते. इस केस में क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ टू इशू ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड एड्रेस
अर्जेंट केस ऑफ एप्रीहेंडेड डेंजर और न्यूसेंस मीन्स अगर उनको लगता है कि किसी टाइप की न्यूसेंस क्रिएट हो सकता है या डेंजर, तो उस केस में पब्लिक जो असेंबली है उनको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इस सेक्शन 144 के अंदर। इसके अंदर क्या पावर दी हुई है, द मजिस्ट्रेट कैन डायरेक्ट एनी पर्सन टू एब्सटेन फ्रॉम अ सर्टेन एक्ट, किसी भी पर्सन को वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, टू टेक अ सर्टेन ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू सर्टेन प्रॉपर्टी इन दिस पोजिशन और अंडर हिज मैनेजमेंट, किसी भी प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में वो ले सकते हैं। दिस यूजली इंक्लूड्स रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट पर रेस्ट्रिक्शन, कैरिंग आर्म्स एंड फॉर्म असेंबली अनलॉफुली, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बेसिकली इसका क्रक्स है सेक्शन 144 के अंदर। आप किसी भी तरह का पब्लिक असेंबली और आप वेपन नहीं ले जा सकते, जैसे कि वेपन में आपका लाठी वगैरह है वो भी आ जाएगा, वो भी आप कैरी नहीं कर सकते जब सेक्शन 144 इम्पोज्ड है। इसको इम्पोज कौन करता है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं इस अपने आर्टिकल की तरफ, जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसके ऊपर, रूलिंग ऑन सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट सस्पेंशन पे बोला गया कि जो इंटरनेट सर्विसेज को इनडेफिनेटली सस्पेंड करना इम्परमिसिबल, इस एक्ट के अंदर परमिसिबल नहीं है। कौन सा एक्ट, टेम्प्रेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स 2017, वर्ड में कैसा नाम आ रहा है, टेम्प्रेरी सस्पेंशन। तो इसमें कोर्ट इसमें टेम्प्रेरी सस्पेंशन ओनली अलाउ है, इनडेफिनेट लॉन्ग टाइम के लिए अप्लाई नहीं है। इसके द कोर्ट क्या करता है, Ask the government to review within the 7 days all orders directing suspension of internet services. जो कोर्ट ने जो गवर्नमेंट को आदेश दिया है कि जितने भी सस्पेंशन पे जो ऑर्डर पास हुए उनको रिव्यू करना है 7 days के अंदर। दूसरा जो इसका वर्डिक्ट आया है, अपहेल्ड फंडामेंटल राइट्स, इसमें क्या बताया, द फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन द इंटरनेट इज़ ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है, एंड ट्रेड ऑक्यूपेशन और कॉमर्स डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(g), 19(1)(a) और 19(1)(g) मैंने अभी आपको पीछे डिस्कस किया था। इसमें क्या है, इसके अंदर बताया कि जब आप फंडामेंटल राइट पे आप रेस्ट्रिक्शन लगा रहे तो वो फॉलो करना चाहिए डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है कि जितना आप राइट पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं और जिस गोल को अचीव करना चाह रहे हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा दिए और जो गोल अचीव हो रहा है वो उसके प्रोपोर्शनल नहीं है। तो याद रखना है आपको डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। दूसरी रूलिंग आई है, रूलिंग ऑन सेक्शन 144। सेक्शन 144 अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, द कोर्ट हेल्ड दैट द रिपीटेटिव ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 144 ऑफ CRPC एज एन अब्यूज ऑफ पावर। रिपीटेटिवली आप सेक्शन 144 को अगर पास करते हैं, ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं, तो वो अब्यूज ऑफ पावर है। द गवर्नमेंट कैन नॉट रिकोर्स टू ब्लैंकेट यूज ऑफ द पावर अंडर सेक्शन 144 फॉर इशूइंग रेस्ट्रिक्शंस एज ए टूल टू प्रिवेंट द लेजिटिमेट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। मीन जो ओपिनियन अगर लेजिटिमेट है तो उस केस में उसको कर्व करने के लिए गवर्नमेंट रिपीटेडली सेक्शन 144 का यूज नहीं कर सकता है। इसमें क्या है कि जो आपका सिक्योरिटी और लिबर्टी दोनों में बैलेंस बिठाने की जरूरत है। नेक्स्ट है टेम्प्रेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स 2017। जैसा कि नाम में ही पता चल रहा है टेम्प्रेरी सस्पेंशन, इसके अंदर क्या है, देयर आर द रूल्स टू बी फॉलोड इफ द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू टेम्प्रेरी सस्पेंड टेलीकॉम सर्विसेज इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्रीज। कौन कौन से रूल्स हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो आपका ओनली होम सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होम डिपार्टमेंट कैन पास सच एन ऑर्डर। ये जो टेम्प्रेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज है इस पर ऑर्डर कौन पास कर सकता है, या तो होम सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री या फिर आपका स्टेट का होम डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है वो पास कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके जब ये ऑर्डर पास होगा तो उस केस में क्या होगा कि जो रिव्यू कमेटी होगी वो 5 days के अंदर इस ऑर्डर को टेकअप करेगी और उसको रिव्यू करेगी। उसके अलावा ये जो पावर है, ये पावर प्रोवाइड की गई है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंदर। इस एक्ट के अंतर्गत स्टेट को ये पावर, गवर्नमेंट को ये पावर प्रोवाइड की गई है। तो आपको याद रखना है टेम्प्रेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, अभी हमने आर्टिकल देख लिए थे। तो हमारे लिए इंटरनेट वाला ये जो कंसेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पॉलिटी के क्वेश्चन लास्ट 2 ईयर से 2018 और 2019 का पेपर देखेंगे तो डायरेक्टली नहीं पूछ रहे, जो करंट में चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को वो आप मैनिपुलेट करके पूछ रहे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज नलबाना बर्ड सेंचुरी।
नलबाना बर्ड सेंचुरी बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स को देखा गया है। जब अभी मैंने कुछ दिन पहले हमने चिल्का लेक को अच्छे एग्जॉस्टिवली उसको डिस्कस किया था, तो ये चिल्का लेक का पार्ट है और चिल्का लेक के कोर एरिया में है। इसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया था 1987 के अंदर, और ये नलबाना बर्ड सेंचुरी बेसिकली नलबाना आइलैंड जो है चिल्का लगून एरिया इन द उड़ीसा के अंदर है। और ये जो है मानसून की कंडीशन में ये डिसअपियर हो जाता है और मानसून के बाद में वापस से इमर्ज होता है ये आइलैंड, जो नलबाना आइलैंड। अब अगर यहाँ पे जो बर्ड्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से मेनली पाए जाते हैं, बार हेडेड गीज, ग्रेटर फ्लेमिंगोज, हेरोन्स, ब्लैक टेल्ड गॉडविट्स, रेयर ग्रेट नॉट एंड द ग्रेट नॉट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको देखा गया है 5 ईयर्स के बाद में। चिल्का लेक की बात करें तो चिल्का लेक इज़ द एशियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट लगून आफ्टर द न्यू कैलेडोनियन बैरियर रीफ इन न्यू कैलेडोनिया। अब ग्रेट नॉट की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड्स है जिसको अभी यहाँ देखा गया है नलबाना बर्ड सेंचुरी के वहाँ पे, और इसका IUCN स्टेटस हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनडेंजर्ड, याद रखना है ग्रेट नॉट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प बेसिकली ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो कि अभी ईरान और USA के बीच में जो टेंशन चल रही है उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये लोकेशन आपको पता होना चाहिए। ईरान है यहाँ पे और यहाँ पे ये पर्शियन गल्फ है। ऑपरेशन संकल्प बेसिकली क्या है कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो एक वारशिप को डिप्लॉय किया है कहाँ पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वहाँ पे। किस लिए? इससे जो क्या जो इंडियन वेसल्स है वो इजीली पास कर सके। अगर ईरान और US के बीच में किसी टाइप की टेंशन इंक्रीज होती है तो इंडिया के जो शिप्स है उनको प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए यहाँ पे वारशिप्स को डिप्लॉय किया गया है। इसका नाम है ऑपरेशन संकल्प। इसको लॉन्च किया गया था 19 जून 2019 के अंदर। इंडियन नेवी वारशिप्स एंड एयरक्राफ्ट आर डिप्लॉयड टू एस्टेब्लिश प्रेजेंस, प्रोवाइड अ सेंस ऑफ रीअश्योरेंस टू द इंडियन मर्चेंटमैन, मॉनिटर द ऑनगोइंग सिचुएशन एंड रेस्पॉन्ड टू एनी इमरजेंट क्राइसिस लाइक डिटेरियोरेटिंग US-Iran रिलेशंस इन द रिसेंट टाइम्स। नेक्स्ट टॉपिक, नेपाल्स शेके नियर एक्सटिंट। शेके बेसिकली नेपाल की एक लैंग्वेज है जो कि नियर एक्सटिंट वाली कंडीशन में आ गई है, लुप्त होने की कगार पे आ गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक अनरिटन लैंग्वेज है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया है कि जो शेके लैंग्वेज के जो लोग हैं पूरे वर्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड अभी 700 स्पीकर्स ही है इस लैंग्वेज के, और इसके 3 डायलैक्ट्स है, तांगबे, तेतांग एंड चुकशांग। एग्जाम में इस तरह से पूछ सकते हैं कि रिसेंटली 3 वर्ड्स न्यूज़ में थे, ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए ये शेके लैंग्वेज की डायलैक्ट्स है। इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। और अकॉर्डिंग टू द इंडेंजर्ड लैंग्वेज अलायंस, शेके इज वन ऑफ द ओवर 100 इंडिजिनियस लैंग्वेजेस ऑफ नेपाल। द वल्नरेबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज इज लिंक्ड टू द माइग्रेशन ऑफ पीपल टू द प्लेसेस वेयर शेके इज नॉट स्पोकन। मीन्स जो शेके लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं लेकिन अगर वो माइग्रेट हो जाएंगे दूसरे एरिया में जहाँ पे ये लैंग्वेज नहीं बोलते तो उस केस में क्या है कि वो लैंग्वेज आगे से आगे प्रोपगेट नहीं हो पाएगी। तो यंगर जनरेशन इसको ज़्यादा अडॉप्ट नहीं कर रहे, वो प्रिफर कर रहे नेपाली और इंग्लिश, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट के लिए वो अपनी जो लैंग्वेज नेपाली और इंग्लिश को प्रिफर करते हैं, इसलिए इसको प्रिफर नहीं करते हैं। यूनेस्को हैज़ 6 डिग्री ऑफ इंडेंजरमेंट, कौन कौन सी, सेफ, वल्नरेबल, डेफिनेटली इंडेंजर्ड, सेवरली इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड लैंग्वेज एंड एक्सटिंक्ट लैंग्वेजेस। यूनेस्को के अकॉर्डिंग ये 6 लिस्ट है। ये एक्सटिंक्ट लैंग्वेज है इसका मतलब होता है कि इसका कोई स्पीकर्स अभी नहीं है, सारे स्पीकर्स, एक भी स्पीकर जिंदा नहीं है, तब वो कैटेगरी में जाते हैं एक्सटिंक्ट लैंग्वेजेस। एट प्रजेंट जो है शेके लैंग्वेज किस में है, डेफिनेटली इंडेंजर्ड लैंग्वेज की कैटेगरी में, वेरी इंपॉर्टेंट। 2019 का जो साल था उसमें UN के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेजेस डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, और एज पर द इंडेंजर्ड लैंग्वेज प्रोजेक्ट इसके अकॉर्डिंग रफली 201 इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस इंडिया के अंदर है और 70 नेपाल के अंदर है। तो आपको याद रखना है शेके लैंग्वेज। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन द काकतिया किंगडम। काकतिया किंगडम के अंदर जो इंपॉर्टेंट पोर्ट था वो था मोटुपल्ली। इस मोटुपल्ली पोर्ट को आपका मार्को पोलो जो ट्रैवलर था उसने भी विजिट किया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स 2017 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा अ नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय, लोकसभा के इलेक्शन के लिए
क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. एनी वन रिसाइडिंग इन इंडिया नहीं है तो कंडीशन नहीं है. आ रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन इज टू बी कंटेस्टेड, ये कोई जरूरत नहीं है, कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं आप. एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपियर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, यस, एक तो वो सिटीजन होना चाहिए और इलेक्टोरल रोल में नेम है मीन्स उसके पास वोटिंग कार्ड होना चाहिए. और डी वाला ऑप्शन है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी. लेट्स मूव टू सी सेट क्वेश्चन. अगर डॉलर का मतलब है डिवाइडेड बाय, एट द रेट का मतलब है मल्टीप्लाइड बाय, और हैश का मतलब है माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या होगी. क्वेश्चन पूछा गया 2019 के अंदर. तो देखो डॉलर की जगह डिवाइडेड बाय का साइन है, एट द रेट की जगह मल्टीप्लाई, और ये हो रहा है. तो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था, इसको मैंने कन्वर्ट किया तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है. जैसा कि आपको पता है इसको बोर्ड मास के थ्रू सॉल्व करते हैं. बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड किया तो 1/5 आ गया, मल्टीप्लाई किया 1 हो गया, 10-1 9. सो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, डी. सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू.